नमस्कार, बबीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गन्ना जूस। बिना गन्ने के ही हम घर पर आज गन्ना जूस बनाने वाले हैं और इसका फ्लेवर बिल्कुल मार्केट में जिस तरह से गन्ना जूस मिलता है उसी तरह का होता है। बहुत ही अच्छा गन्ना जूस बनाकर आज हम रेडी करने वाले हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गन्ना जूस बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये गुड़ ले लिया है, ये देखिए, ये मैंने लड्डू वाला गुड़ लिया है, आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं। एक चौथाई छोटी चम्मच काला नमक, एक इंच अदरक का टुकड़ा कट करके लेना है, थोड़े से पुदीने के पत्ते और यहाँ पर आधा नींबू का रस निकाल कर ले लिया है मैंने। तो चलिए गुड़ को छोटा छोटा कट करके इस तरह से मिक्सी जार में डाल लेना है। नमक और अदरक जो कट करके लिया था इसे भी डाल देंगे। यदि आपको अदरक पसंद नहीं है तो आप अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए पुदीना के पत्ते डाल देते हैं और साथ में नींबू का रस भी डाल देते हैं इसमें हम। तो चलिए अभी मैं एक कप के करीब इसमें पानी डालूंगी, ये देखिए थोड़ा सा ही पानी अभी डालना है। और चलिए इसे ढक्कन लगा के मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि ज़्यादा मीठा ना हो, क्योंकि ये अभी बहुत मीठा है। तो चलिए इसे छान लेते हैं छलनी में, बिल्कुल इस तरह से छान लेना है ताकि मोटा पोर्शन निकल जाए। ये देखिए हमारा गन्ना जूस बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए इसे एक ग्लास में पोर कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा गन्ना जूस बना है हमारा, ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह ही कलर भी आप देख रहे हैं उसी तरह का है, क्योंकि गन्ना जूस से ही गुड़ बनता है। तो इसका फ्लेवर भी बिल्कुल गन्ने जूस जैसे ही आता है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें बाहर से जूस पीना रिस्की है। ऐसे में यदि गन्ना जूस आपको पीना है तो बिल्कुल इस तरह से आप गन्ना जूस बना लीजिए। बिल्कुल मार्केट में जिस तरह से गन्ना जूस मिलता है वैसा ही फ्लेवर होता है इस गन्ना जूस का भी। तो लीजिए, गुड़ से हमने बहुत ही टेस्टी गन्ना जूस बनाकर रेडी कर लिया है। गन्ना जूस बनाते समय कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। गुड़ को आपको छोटा छोटा कट करके ही लेना है ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए, और आप इसमें अपने फ्लेवर के अनुसार सारी चीज़ें मिला सकते हैं। यदि आप सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। पुदीना, अदरक, नमक जो भी आपको डालना है अपने फ्लेवर के हिसाब से ही आप डालिए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा भी आप अपनी फ्लेवर के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने दो ग्लास के लिए यहाँ 100 ग्राम के करीब गुड़ लिया था, आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से आप गुड़ लें। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।